वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शुभम एजुकेशन वाणी। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सीटेट 21 जनवरी को जो आपका क्वेश्चन आउट हुआ है उसी पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि हम बहुत सारा वहां पे पीडीएफ डालते रहते हैं, जैसा कि आपका 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसके पहले जो है बहुत सीडीपी का, उसका मैथ का और भी बहुत चीज का पीडीएफ था वो हम वहां पे डाले थे। तो फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो डालते हैं, कोई वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो वहां पे डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उस जुड़ जाइए और आप उससे लाभ लीजिए। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि आपका 21 जनवरी को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है, 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम हुआ है तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर लोग भी बोलने से कतरा रहे हैं, मतलब टीचर लोग भी नहीं बोलना चाह रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन आउट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों में विद्यार्थी एक दूसरे से बच चुके हैं। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि नहीं एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि नहीं एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो आप अभी ही जब ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि इसी तरह आपका केवीएस का ही वैकेंसी आया था तो उस समय भी क्वेश्चन आउट हुआ था। हम मान रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप 90 नंबर ला ले आइए उसके बाद आप पास हो जाइएगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि हर एक बार जब यही होगा, आप देखे होंगे कि बिहार का जो वैकेंसी हुआ है, बिहार में जो टीचर हुआ है, हम सभी टीचर के बारे में नहीं बोल रहे हैं लेकिन कुछ टीचर के बारे में हम बोलना चाहेंगे कि उनको भारत के उपराष्ट्रपति नहीं मालूम है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है वो नहीं मालूम है। तो वो लोगों के चलते जो पढ़ने वाले जेन्युइन विद्यार्थी होते हैं उनको दिक्कत हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट में वो क्वेश्चन आउट करा के सीटेट पास कर लेते हैं, उसी तरह बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आउट हुआ है चाहे कुछ भी हुआ है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, तभी तो उस तरह का टीचर आप देख रहे हैं जिनको उपराष्ट्रपति पता नहीं है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं पता है, ये सब नहीं पता है। तो जो सीटेट में अगर वो धांधली करवा सकते हैं तो एग्जाम में भी धांधली करवा सकते हैं, मेन एग्जाम में। लेकिन DSSBA जो है एक अच्छा एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहां पे नहीं हो पाता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है वहां पे निश्चित तौर पे होता है। तो आप लोग टीचर के साथ रहिए। फ्रेंड्स, आपको जैसा बताना चाहेंगे कि अगर एग्जाम कैंसिल होना होता तो अभी तक नोटिफिकेशन आ गया रहता। आप देखे होंगे कि सीटेट के साइट पे कि हर एक चीज का नोटिफिकेशन समय समय पर आते रहता है, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि एग्जाम अब कैंसिल नहीं होने वाला है। अब इसी पे आप लोग देखना है कि नेक्स्ट बार जो सीटेट का एग्जाम होगा उसमें धांधली ना हो। सीटेट से यही गुजारिश करेंगे, सीटेट जो उनके अध्यक्ष हैं उनसे यही गुजारिश करेंगे कि अब जो है एग्जाम जो आए उसमें सही तरीके से एग्जाम हो, क्योंकि यहाँ सीटेट में भी लोग क्वेश्चन आउट करवा लेते हैं और पास कर लेते हैं और फिर मेन एग्जाम में भी जाते हैं वहां पर यही करवा के और वो अपना एक सीट पक्का कर लेते हैं, तो उसमें पढ़ने वाला विद्यार्थियों को बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, एक चीज और चल रही है अभी मार्केट में, आप देखे होंगे कि रेलवे में जो है 5600 ही वैकेंसी है ALP टेक्नीशियन का 5600 वैकेंसी है, जिसमें कल जो है आपका महा ट्विटर अभियान है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट जरूर लीजिए। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि रेलवे में 6 साल के बाद 5600 मात्र वैकेंसी आया है। अब 25 तारीख को ट्विटर महा आंदोलन है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और वैकेंसी को बढ़ाने के लिए आप लोग सरकार से मांग कीजिए। अगर 25 तारीख को नहीं सुना जाता है तो 26 तारीख को आपका जो है गणतंत्र दिवस है, उसके बाद जो है आपका 27 तारीख को एक बहुत बड़ा फिजिकल प्रोटेस्ट रखा गया, आप लोग उसमें अपने अपने जगह से शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग उस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं और इसमें जो है वैकेंसी बढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कि 2-3 साल पे जब रेलवे का वैकेंसी आता था तो 20-20 हजार वैकेंसी रहता था ALP में, और अभी जो है 5600 मात्र वैकेंसी है। तो आप लोग इसको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सीटेट के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि एग्जाम अब कैंसिल नहीं होगा, आपका नेक्स्ट सीटेट के लिए आप तैयारी कीजिए। अगर 90 नंबर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट सीटेट के लिए आप तैयारी कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जैसे ही आपका कुछ भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आता है, हमें उम्मीद नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा अब डायरेक्ट आंसर की आएगा, तो अगर कोई नोटिफिकेशन अगर आता है तो आपको इस चैनल पे लेके आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि रेलवे के विद्यार्थियों को भी कुछ फायदा हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।